हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन एकेडमी। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वी शेप रिकवरी, के शेप रिकवरी, एल शेप रिकवरी क्या है। ठीक है, बहुत सारे रिकवरी से रिलेटेड अल्फाबेट्स जो हैं अभी कोविड-19 के पैनाडेमिक के बाद जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग नेमिंग्स दी हैं, ठीक है ना, तो रिकवरी को वो हम सब आज की वीडियो में क्लियर करेंगे कि वी शेप रिकवरी, के शेप रिकवरी, डब्ल्यू शेप रिकवरी, एल शेप रिकवरी क्या होती है। तीन चार रिकवरी के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले जान लीजिए, अन अकेडमी प्लस पे मेरा ये कोर्स जो है ये चल रहा है, दैट इज बैच कोर्स ऑफ पेपर वन एंड इकोनॉमिक्स। इसमें आपको इनरोल करना है, हमारे साथ पढ़ना है और यू जी सी नेट जे आर एफ की तैयारी करनी है हमारे साथ। उसके लिए आपको करना क्या है, अन अकेडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेनी है, अपनी लर्निंग को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाना है। ये 21 सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन पे अन अकेडमी से। और प्लस एंड आइकनिक दो तरह के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। जो आइकनिक सब्सक्रिप्शन है इसमें आपको पर्सनल कोच, इंटरव्यू प्रिपरेशन तक की फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन प्लान आपके सामने खुले हैं, यहाँ पे आपको लगाना है मेरा रेफरल कोड सिमर 10 एंड आफ्टर दैट यू विल गेट इंस्टेंट 10% ऑफ ऑन योर अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एंड दिस इज फॉर आइकनिक सब्सक्रिप्शन। सबसे अच्छी बात ये है कि आपको नो कॉस्ट ईएमआई पर मंथ भी पेमेंट कर सकते हैं। ये सभी कोर्सेज सिंगल सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड होते हैं। प्राइस हाइक होने से पहले अपनी सब्सक्रिप्शन को इंश्योर कर लीजिए। 31 जुलाई तक प्लान चल रहा है, हर 6 महीने एंड 12 महीने की सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने एक्स्ट्रा। बक्स बाउंटी स्पेशल आपके लिए प्रोग्राम है, किसी भी इन अप्रोप्रिएट कंटेंट को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रिसेशन की अलग अलग शेप से। ओके, रिसेशन शेप्स और रिकवरी शेप्स आर यूज बाय इकोनॉमिस्ट टू डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेशन एंड देयर सब्सिक्वेंट रिकवरीज। सबसे मोस्ट कॉमन जो शेप यूज होती है दैट इज वी शेप, एक यू शेप्ड है, एक डब्ल्यू शेप्ड है, एक एल शेप है और एक के शेप है। कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 शेप्स के बारे में आज हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है। द नेम्स ड्राइव फ्रॉम द शेप ऑफ इकोनॉमिक डाटा पर्टिकुलरली जीडीपी टेक्स ड्यूरिंग द रिसेशन। ये जो शेप्स हैं ये रिसेशन और रिकवरी के टाइम पीरियड्स को दर्शाती हैं, ठीक है। कि इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल्स तो आप समझते हो ना, ये बिजनेस साइकिल्स हैं। दिस इज फॉर बूम पीरियड एंड दिस इज फॉर रिसेशन, दिस इज फॉर डिप्रेशन एंड दिस इज फॉर रिकवरी, ठीक है। सो ये रिसेशन एंड रिकवरी की शेप्स को दर्शाती हैं ये जो सारी शेप्स हैं। सो इन ए वी शेप्ड रिसेशन, अब सबसे पहले चलते हैं वी शेप्ड रिसेशन पर। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखिए, ये जो वी शेप्ड होती है ना इसे स्क्वायर रूट शेप भी बोलते हैं। स्क्वायर रूट की भी इसी तरह से शेप होती है ना, मिलती जुलती। सो इसे स्क्वायर रूट शेप भी बोलते हैं। जो डब्ल्यू शेप है इसे डबल डिप रिसेशन भी बोलते हैं, दो बार रिसेशन आगे फिर ठीक हो गया फिर, मतलब डबल डिप रिसेशन। और जो कोविड-19 का पैनाडेमिक आया उसके कारण जो रिसेशन की शेप बनी वो थी के शेप रिसेशन। ये क्या है इसे भी हम समझेंगे, इसे टू स्टेज रिसेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है इन्हें वी शेप्ड रिसेशन। द इकोनॉमी सफर्स ए शार्प बट ब्रीफ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन विद ए क्लियरली डिफाइंड कर्व फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग रिकवरी। देखिए क्या है कि इकोनॉमी में सबसे पहले डिक्लाइन आता है, एक ब्रीफ डिक्लाइन एंड स्ट्रॉन्ग रिकवरी, रिकवरी ज़्यादा आती है, ठीक है। डिक्लाइन कम विद ए स्ट्रॉन्ग रिकवरी। वी शेप्स आर नॉर्मल शेप फॉर ए रिसेशन एज ए स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरी इज टिपिकली क्लोजली रिलेटेड टू द सेवरिटी ऑफ प्रीसीडिंग रिसेशन। मतलब इस तरह का आपको समझ आ गया होगा कि इकॉनमी में डाउनवर्ड्स आया देन इकॉनमी में अपवर्ड आया, ये वी शेप्ड रिसेशन है। एज एन एग्जाम्पल ऑफ वी शेप्ड रिसेशन इज अ रिसेशन ऑफ 1953 इन यूनाइटेड स्टेट्स। यूएसए में 1953 में ऐसा रिसेशन देखने को मिला था जो वी शेप था। द इकॉनमी इन द यूनाइटेड 1950 से पहले जो यूनाइटेड स्टेट्स की इकॉनमी थी वो ग्रो कर रही थी, बट बिकॉज ऑफ फेडरल रिजर्व एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इट रेज इंटरेस्ट रेट टिपिंग द इकॉनमी इंटू रिसेशन। बट अचानक से इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण जो इकॉनमी है वो रिसेशन में चली गई। 1953 में रिसेशन में जाने के बाद दोबारा से ग्रोथ जो है वो शुरू हुई। ग्रोथ बिगन टू स्लो इन द थर्ड क्वार्टर, ग्रोथ जो है कम होना शुरू हुई एंड द इकॉनमी श्रैंक बाय 2.4%। पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, देन आफ्टर दैट मैं इसकी कंक्लूजन आपको बताऊंगी। फोर्थ क्वार्टर में इकॉनमी श्रैंक बाय 6.2% एंड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 1954 इट श्रैंक बाय 2% बिफोर रिटर्निंग टू ग्रोथ, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले 1953 के थर्ड क्वार्टर में जो इकॉनमी है वो 2.4% की दर से गिरी, फोर्थ क्वार्टर में इकॉनमी 6.2% की दर से गिरी, ठीक है। मतलब पहले थोड़ा रिसेशन आया देन ज़्यादा श्रंक हुई,
ठीक है, और धीरे धीरे ये रिकवरी आनी शुरू हो गई, जो इकोनॉमी है उसमें अब 2% गिरावट आई ना सर, मतलब इकोनॉमी में रिकवरी धीरे धीरे आनी शुरू हो गई, ठीक है। सो ये इट इज़ ए वी शेप्ड रिसेशन, जिसमें इकॉनमी में पहले धीरे 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 रिसेशन आ रहा है, देन धीरे 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 रिकवरी हो रही है, ठीक है। चलो, बाय द फोर्थ क्वार्टर द इकॉनमी वॉज ग्रोइंग एट एन 8%, वेल अबव द ट्रेंड, ठीक है ना, वही चीज़ के अब रिकवरी आनी शुरू हो गई है, 8% की दर से इकॉनमी बढ़ने लगी है, द GDP ग्रोथ फॉर अ रिसेशन है। सो इससे साफ पता लगता है कि पहले इकॉनमी में स्लो डाउन आया, देन रिकवरी गई, वी शेप बन रही है। 2020 में भी इस तरह की रिसेशन देखने को मिली है COVID-19 पैनेडेमिक के कारण, वेयर द लेफ्ट साइड ऑफ द वी वॉज पर्टिकुलरली सेवरी। देखिए ये है हमारा कर्व, इसकी लेफ्ट साइड जो है ये वाली लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये ज़्यादा सेवरी है, मतलब ज़्यादा क्रिटिकल है, ज़्यादा सीरियस है, ये ज़्यादा गहराई में है, ज़्यादा डीप है, मतलब इकॉनमी में जो रिसेशन आया है वो ज़्यादा है, रिकवरी उससे कम हुई, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये रिकवरी जो है पूरी तरह से वी शेप्ड ट्रेंड फॉलो नहीं करती, क्योंकि इसमें रिसेशन ज़्यादा आया है और रिकवरी अभी तक कम देखने को मिली है, तो पूरा वी जो है इसमें अभी तक नहीं बनता, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग, ये चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट है यू शेप्ड रिसेशन क्या होता है। जो यू शेप्ड रिसेशन होता है ना, वो वी शेप्ड रिसेशन से ज़्यादा समय तक रहता है। वी शेप्ड रिसेशन में हमने क्या पढ़ा कि इकॉनमी में रिसेशन आया, सडन रिकवरी हो गई, ठीक है, कोई रिसेशन रहा नहीं लंबे समय तक, रिसेशन आया देन सडन रिकवरी। लेकिन जो यू शेप्ड रिसेशन है इसमें क्या है कि रिसेशन आता है, थोड़े समय टिकता है, ये देखिए इस तरह से टिका, ठीक है, स्टेडी, और देन फिर रिकवरी है इस तरह से, ठीक है। द यू शेप्ड रिसेशन इज लॉन्गर देन ए वी शेप्ड रिसेशन। ये देखिए उसने सिमन जॉनसन जो है फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट फॉर द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, उसने क्या कहा है, से द यू शेप रिसेशन इज लाइक ए बाथ टब, कि जो यू शेप रिसेशन है वो एक बाथ टब की तरह है, यू गो इन यू स्टे इन द साइड्स आर स्लिपरी, मतलब आप उसमें जाते हो और आप उसमें स्टे भी करते हो, ये नहीं है कि मतलब एकदम से ये ऊपर नहीं उठ जाता वी की तरह, बाथ टब में हम जाते हैं उसमें स्टे करते हैं ना, जैसे हम उसमें बैठ सकते हैं, उसी तरह से ये जो रिसेशन है यू शेप रिसेशन काम करता है, थोड़ी देर तक रिसेशन टिकता है, मतलब एकदम से ऊपर नहीं आ जाता, दोनों साइड इसकी स्लिपरिंग है, जैसे बाथटब की दोनों साइड स्लिपरी होती है ना, इसकी भी दोनों साइड जो है स्लिपरिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद 1973 to 1975 का जो रिसेशन है उसने यू शेप रिसेशन लिया था USA में। तो अब आपको पुराने मतलब ये डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमको ये डेट्स का यहाँ पे मकसद ये है कि आपको जस्ट मतलब समझाना एग्जांपल से कि यू शेप रिसेशन या वी शेप रिसेशन कैसे हुआ था आज से इतने टाइम पहले, ठीक है ना। सो ये आपको याद नहीं रखना कि ये डेट्स मतलब इन डेट्स में ये यू शेप रिसेशन हुआ था, याद नहीं रखना, जस्ट मीनिंग समझाने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको इन रिसेशन शेप्स के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनके मीनिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इन अर्ली 1973 इकॉनमी बिगन टू श्रिंक एंड कॉन्टिन्यू टू डिक्लाइन और हैव वेरी लो ग्रोथ फॉर नियरली 2 years, मतलब जो इकॉनमी है वो श्रिंक तो हुई और 2 साल तक उसमें लो ग्रोथ ही रही, मतलब वो स्टे की ना, वी शेप की तरह हम एकदम ऊपर नहीं उठ गए, जो लो ग्रोथ है वो थोड़ी देर तक रही, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग कि थोड़ी देर टिकने के बाद बॉटम में फिर रिकवरी स्टार्ट हुई। तो ये है आपकी यू शेप रिसेशन। तीसरे नंबर पे आती है डब्ल्यू शेप रिसेशन। डब्ल्यू शेप रिसेशन को हम डबल डिप रिसेशन भी बोलते हैं। द इकॉनमी फेल्स इनटू रिसेशन, रिकवर्स विद ए शॉर्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ, देन फेल्स बैक इनटू द रिसेशन बिफोर फाइनली रिकवरिंग, गिविंग ए डाउन अप पैटर्न रिजेम्बलिंग द लेटर डब्ल्यू। मतलब कि इकॉनमी में रिसेशन आया, फिर ग्रोथ हुई, फिर अचानक रिसेशन, फिर ग्रोथ, इट इज़ अ डबल डिप रिसेशन। सो शेप से ही पता लग रहा है कि इकॉनमी में रिसेशन आया, शॉर्ट पीरियड की रिकवरी आई, अगेन फिर से रिसेशन आ गया और फिर से रिकवरी आ गई, सो डाउन अप अप्रोच। 1980 का रिसेशन जो है USA का, वो डब्ल्यू शेप रिसेशन की तरह था, ठीक है। ओके, सो इसके बाद यूरोपियन डेप्ट क्राइसिस 2010 में जो आई थी वो भी डब्ल्यू शेप रिसेशन की एक एग्जाम्पल थी। इसमें क्या हुआ था, देखिए 2 बार रिसेशन आया था, ध्यान से देखिएगा। कम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑस्टेरिटी, फेलिंग बिजनेस इन्वेस्टमेंट, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ग्लोबल इकोनॉमिक वीकनेस, हाई एनर्जी प्राइस एंड वीक कंज्यूमर स्पेंडिंग आफ्टर द ग्रेट रिसेशन ऑफ 2008-09 टिप्ड मैनी यूरोजोन कंट्रीज इनटू सेकेंड रिसेशन फ्रॉम 11 to 13। सो क्या हुआ, 2008 में जैसे रिसेशन आया, थोड़ी रिकवरी हो गई, 2011 में फिर रिसेशन आ गया, फिर 2013-14 में रिकवरी हो गई। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं, आगे आता है एल शेप्ड रिसेशन।
एल शेप्ड रिसेशन अकर्स व्हेन एन इकॉनमी हैज़ अ सेवरे रिसेशन. सेवरे मतलब बहुत क्रिटिकल रिसेशन हो ना जब इकॉनमी में, उसे एल शेप्ड का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें कहीं भी आपको रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है ना. एल शेप्ड रिसेशन में हमको कहीं भी रिकवरी देखने को नहीं मिल रही, एंड डज नॉट रिटर्न टू ट्रेंड लाइन ग्रोथ फॉर मैनी ईयर्स. बहुत मतलब साल लग जाते हैं ट्रेंड लाइन मतलब दोबारा से ग्रोथ की तरफ आते, ठीक है ना. सो ये जो फ्लैट लाइन है इसकी एल शेप, ये देखिए फ्लैट लाइन है, हम रिकवरी की तरफ जा ही नहीं रहे. सो ये सबसे ज़्यादा सेवरे रिसेशन है, जितनी भी हमने शेप्स पढ़ी है ना, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रिसेशन एल शेप्ड जो है एल शेप में होता है. क्यों? क्योंकि डब्ल्यू शेप, वी शेप, यू शेप में हम रिकवर करते हैं, है ना, लॉन्ग पीरियड में या शॉर्ट पीरियड में रिकवर करते हैं. लेकिन एल शेप में आप देख रहे हो, शेप से पता लग रहा है कि इसमें रिकवरी आ ही नहीं रही, ठीक है ना. सो एकदम फ्लैटर शेप हो जाती है इसकी. ये एल शेप रिसेशन है. उसके बाद आता है के शेप रिसेशन. आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से के शेप रिसेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि अभी COVID-19 के पैंडेमिक में जो रिसेशन सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है वो के शेप रिसेशन ही है, ठीक है. इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा है, मतलब न्यूज़ में है. सो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से के शेप रिसेशन सबसे इंपॉर्टेंट है. इसे टू स्टेज रिसेशन भी बोलते हैं. इज वेयर पार्ट्स ऑफ सोसाइटी एक्सपीरियंस मोर ऑफ ए वी शेप रिसेशन वाइल अदर पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी एक्सपीरियंस इज ए स्लोअर मोर प्रोटेक्टेड एल शेप रिसेशन. मतलब यहाँ पे क्या है कि अलग अलग सोसाइटीज, अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग तरह का रिसेशन देखने को मिलता है. अलग अलग सोसाइटीज अलग अलग ग्रोथ रेट्स पे जो है रिकवर हो रही है. कैसे? देखिए आगे देखिए, इसे थोड़ा सा पढ़ते हैं. के शेप रिकवरी हैपन्स व्हेन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ एन इकॉनमी रिकवर एट स्टार्कली डिफरेंट रेट्स. वही होगा ना, अलग अलग सेक्शंस जो हैं, अलग अलग सोसाइटीज जो हैं, अलग अलग रेट्स पे वो रिकवर हो रही हैं. हाउस होल्ड एट द टॉप ऑफ द पायरामिड आर लाइकली टू सीन देयर इनकम्स लार्जली प्रोटेक्टेड. जो हाउस होल्ड्स बहुत मतलब अच्छे खासे हैं, रिच हैं, ठीक है ना, वो अपने उनकी इनकम्स प्रोटेक्टेड रही COVID-19 के पैंडेमिक में, ठीक है. एंड सेविंग रेट्स फॉस्ड अप ड्यूरिंग द लॉकडाउन इंक्रीजिंग फ्यूल इन द टैंक टू ड्राइव फ्यूचर कंजम्पशन. सेविंग रेट्स उनके बढ़े, सेविंग रेट्स इस तरह के बढ़े कि जैसे टैंक में फ्यूल डालते हैं कि आने वाले टाइम में कंज्यूम करेंगे, उसके लिए बचा के रख लो. बट हाउस होल्ड्स एट द बॉटम, जो हाउस होल्ड्स थोड़े गरीब हैं, मिडिल क्लास के हैं, पुअर हैं, उनकी तो एकदम परमानेंट जॉब लॉस हुई, बहुत ज़्यादा धक्का लगा उनकी, उनकी इनकम में बहुत रिडक्शन देखने को मिली, ठीक है ना. सो दैट इज़ द थिंग. के शेप रिसेशन मतलब एक तरफ तो एक सोसाइटी रिकवर हो रही है, एक तरफ तो एक सोसाइटी डाउनवर्ड्स जा रही है, ठीक है. जैसे जो प्रोडक्शन हाउसेस थे या कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, ठीक है, उनको COVID-19 के पैंडेमिक में पॉजिटिव ग्रोथ भी देखने को मिली है. और दूसरी जो पुअर हाउस होल्ड है या मिडिल क्लास हाउस होल्ड है, उनको उनमें हमें डाउनवर्ड ट्रेंड थोड़ा देखने को मिला है ना. सो ये चीज़ है कि एशिया रिसेशन के अलग अलग सोसाइटीज अलग अलग रेट्स पे ग्रो हो रही हैं. इसकी यहाँ पे एक एग्जांपल है, पैसेंजर व्हीकल रिस्ट्रिक्शंस हैव रजिस्ट्रेशंस हैव ग्रोन अबाउट 4% व्हाइल टू व्हीलर्स हैव कॉन्ट्रैक्टेड 15%. पैसेंजर व्हीकल जो है अपर एंड कंजम्पशन के लिए जो यूज होते हैं, मतलब बस ट्रेन्स लगा लीजिए या हेलीकॉप्टर्स, हवाई जहाज, ठीक है ना, मतलब एरोप्लेन्स, ऐसी चीज़ें जो हाई एंड कंजम्पशन के लिए जो व्हीकल्स यूज होते हैं, पैसेंजर व्हीकल, इनकी रजिस्ट्रेशंस बढ़ी हैं. और जो टू व्हीलर्स हैं, जो लोअर एंड कंजम्पशन है, जिन्हें थोड़े पुअर क्लास लोग यूज़ करते हैं, ऐसे व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशंस थोड़ी कम हो गई, ऐसे व्हीकल्स की यूज़ थोड़ी सी कम हो गई, कॉन्ट्रैक्टेड 15%. सो इससे पता लगता है कि एक सेक्शन सोसाइटी का जिसकी हाई एंड कंजम्पशन है, वो उनकी कंजम्पशन बढ़ी है, ठीक है ना, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो है 4% बढ़े. और दूसरी तरफ टू व्हीलर्स की कंजम्पशन जो है, टू व्हीलर्स का यूज जो है वो 15% कम हुआ, क्योंकि ये लोअर एंड कंजम्पशन है ना. सो दिस इज द थिंग, दिस इज के शेप रिसेशन, ठीक है. सो होपफुली ये सभी रिसेशन की टाइप्स जो है आपको अच्छे से समझ आई होंगी, है ना. सो आपकी स्पेशली डिमांड पे ये वीडियो मैंने बनाई है. नेक्स्ट वाली, इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी ये 7 AM वाले इकोनॉमिक्स हॉट टॉपिक्स वाली क्लास होगी, उसमें हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपोजर्स, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर्स, इकोनॉमिक एक्सपोजर, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर. ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्क होते हैं, ये क्या होते हैं, ये एक्सपोजर्स क्या होते हैं, ठीक है. तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. इसके बाद आपके लिए रैशनल एंड एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस का भी एक लेक्चर आएगा, ठीक है जी.
तो स्टे ट्यून्ड बने रहिएगा मेरी रोज 7 बजे वाली इकोनॉमिक्स शॉर्ट टॉपिक्स वाली क्लास देखना मत भूलिएगा। और मेरे साथ आप प्लस पे जुड़ सकते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स के लिए। मेरा रेफरल कोड यूज़ करके सिमर 10 इंस्टेंट 10% ऑफ ले सकते हैं। मेरी फ्री क्लासेज में आप पढ़ सकते हैं जो अन अकेडमी पर होती हैं, अन अकेडमी पर स्पेशल क्लासेज। मेरी प्रोफाइल है अन अकेडमी पर सिमरनजीत कौर के नाम से, उसे फॉलो करिए और मेरी फ्री स्पेशल क्लासेज भी वहाँ पर देखिए। सेम कोड है सिमर 10 मेरा, मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।